विकास खंड बरौली अहिर के गांव गढ़ी हिसिया के महादेव मंदिर पर आज संगीतकार रूप सिंह भगेल ने अपने मुखारविंद की मधुर आवाज से रक्षाबंधन के पावन पर्व पर पुरानी रहस्यमयी आला और उदल की गाथा सुनाई, जिसमें बताया गया 12वीं सदी में बुंदेलखंड के महोबा के दशरथपुरवा गांव में दो ऐसे भाइयों का जन्म हुआ था जो बचपन से ही बहुत पराक्रमी थे। पराक्रमी होने के साथ साथ इनको शास्त्रों का ज्ञान भी था। इन दोनों भाइयों के पराक्रम को देखते हुए इन्हें युधिष्ठर और भीम का अवतार भी बताया जाता है। आला उदल की गाथा उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से जैसे बुंदेलखंड, कन्नौज और कानपुर आदि तक में मशहूर है। बुंदेली इतिहास में तो आला उदल का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। यहाँ तक कि बुंदेलखंड में आज भी इनकी वीर गाथा गाई जाती है। दोनों को दसराज और दिवाला का पुत्र माना जाता है। दसराज चंदेल वंशी राजा परमल के सेनापति थे। बुंदेली कवियों के द्वारा आला के गीत भी बनाए गए हैं जो सावन के महीने में बुंदेलखंड के हर गांव में गाए जाते हैं। जैसे पानीदार यहाँ का पानी आग, यहाँ के पानी में शौर्य गाथा के रूप में गाया जाता है आदि। आज भी वहाँ शाम को चौपालों पर लोग आला के गीतों का आनंद उठाते हैं। महोबा में अधिकतर सामाजिक संस्कार आला उदल की कहानी के बिना पूर्ण नहीं माने जाते। यहाँ पर बच्चों के नाम भी आला खंड से लेकर रखे जाते हैं। पूरे महोबा और बुंदेलखंड में कई ऐसे स्थान हैं जो दोनों योद्धाओं की याद दिलाते हैं। इसी दौरान हरेंद्र तोमर, सौदान सिंह, रोहतान सिंह, विजेंद्र सिंह एवं समस्त ग्रामीण लोग मौजूद रहे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से गजेंद्र तोमर की रिपोर्ट।